देखिए, हरा का मतलब है कि ये लालू यादव आरजेडी का जो है ये एक पहचान है। ये नाम चट्टान जो है लालू यादव रखे थे। लालू यादव जो है वो गरीब मजदूर और दलित को किस तरीके से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको किसी जात से नफरत नहीं है। लालू यादव ने जो है अच्छा अच्छा काम किए हैं और तेजस्वी यादव भी जो है उन्हीं के नक्शे कदम से चल रहे हैं। लालू यादव की जब सरकार थी तो रिक्शा का स्टैंड बना था और आप ये भी देखें चितकौड़ा पुल बना, उसके नीचे भी गरीब को बसा दिए लालू यादव। बीजेपी को अच्छी तरीके से जान गया है कि बीजेपी क्या कर रहे हैं। गोपालगंज भी जीतेंगे, अब मोकामा भी जीतेंगे, इसलिए कि जितने से हम लोग जो है ना बाज नहीं आ रहे कि नहीं जीतेंगे, इसलिए कि जनता वहाँ का चाह रहा है। तो लालू यादव जा रहे थे तो हम लोग सब कोई मिल करके दिल में एक हौसला पैदा किया कि आज लालू यादव का गाड़ी काफिला को हम लोग रोक, और इंदिरा आवास बन जाता है तो समझ लिए कि हम लोग का मुस्तकबिल और हम लोग की ज़िंदगी बन जाएगी। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पूरा बिहार फैन है, पूरा देश फैन है, कई तरीके के उनके फैन हैं जो लालू प्रसाद यादव के रंग में रंग जाते हैं, उनकी आवाज़ निकालते हैं। तो वहीं कई ऐसे फ़ैन हैं जो सर पे लालटेन तो बदन पे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर। मेरे साथ भी एक शख्स है, इनका नाम क्या है वो जानेंगे, लेकिन पहले इनकी गाड़ी को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये गाड़ी पूरी तरह से हरे रंग से रंगा हुआ है, लालटेन बना हुआ है, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगी हुई है, नीतीश कुमार भी हैं। देखिए तस्वीरों में मैं दिखा रहा हूँ, नीतीश कुमार भी हैं, तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप, मीसा भारती, सीने पे लालू प्रसाद यादव हैं, सीना चौड़ा भी है इनका क्योंकि लालू प्रसाद यादव है सीने पे। अगर पीछे की बात कर लूँ तो देखिए पीछे भी लालू प्रसाद यादव, पीठ पे भी लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगी हुई है, तेजस्वी यादव का तस्वीर गाड़ी पे लगा हुआ है और ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरी तरीके से हरे रंग में रंगे हुए हैं। हरा रंग इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की पहचान हरे रंग से है, लालटेन हरा है, तमाम कार्यालयों का गेट हरा है और इनका पूरा रूप और रंग भी हरा है। देख सकते हैं तस्वीरें। कहाँ से आए हैं? हम फुलवाड़ी शरीफ से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान मेरा नाम है। चट्टान, चट्टान क्यों? इसलिए कि ये नाम चट्टान जो है लालू यादव रखे थे। अच्छा, लालू यादव रखे थे, क्यों? लालू यादव के काफिला जा रही थी और हम उस टाइम रिक्शा चला रहे थे। अच्छा। मजदूरी कर रहे थे और रिक्शा ठेला वाले के साथ जो है हम जुटे हुए रहते थे, गरीब के साथ जुटे रहते थे। तो हम लोग रोड पर जो है झुपड़ी झुंगी डाले हुए थे, तो लालू यादव जा रहे थे तो हम लोग सब कोई मिल करके दिल में एक हौसला पैदा किया कि आज लालू यादव का गाड़ी काफिला को हम लोग रोकेंगे। मुख्यमंत्री जब थे। अच्छा। तो हम लोग गाड़ी को रोका लालू यादव के, तो लालू यादव पूछे कि क्या है, क्या बात है बोलो। तो हम लोग बोला कि हम लोग रोड पर देखिए झोपड़ी झुंगी डाल के रहते हैं, हम लोग का हालत बहुत ख़राब है और गरीब हैं, हम लोग से तो बन पा रहा है नहीं, कब रोड से हटा देगा, कोई ठीक नहीं है। तो लालू यादव ने बोले क्या चाहिए बोलो। तो हमने कहा कि ताजनगर में गैर मजरुआ ज़मीन है, अगर उसमें अगर हम लोग को दिला देते हैं और इंदिरा आवास बन जाता है तो समझ लिए कि हम लोग का मुस्तकबिल और हम लोग की ज़िंदगी बन जाएगी, क्योंकि हम लोग के साथ बाल बच्चा, छोटा छोटा परिवार बहुत सारे हैं। तो लालू यादव बोले कि ठीक है। उसके बाद जो है फ़ोन किए लालू यादव, ब्लॉक में फ़ोन किए, ब्लॉक से फ़ोन करके माने कि सीओ वीडियो सबसे बातचीत कर करके, तुरंत डीएम वो में करके वहाँ जा कर करके और पूरा जो है गर्मजरुआ ज़मीन को निकाल करके हम लोग को बांट करके देने का काम किए और वहाँ पर इंदिरा आवास 80 घर अल्पसंख्यकों का बनाने का काम किए। मतलब लालू यादव ने तुरंत आप लोगों को तुरंत काम किए, तुरंत, उसमें कोई देरी नहीं किए, काम में कोई देरी नहीं किए। और जो है ना उसमें फिर ये भी किए कि अगर और भी कुछ घटे बढ़ेगा तो हम देंगे, जिसमें कि पीसीसी ढलाइया ये सब जो है टोटल काम उम जो है ये सब भी दिए। और अभी तक जो है वहाँ पर समझ लीजिए कि पीसीसी ढलाइया या कुछ भी हो तो डॉक्टर मीसा भारती लालू यादव की बेटी आज तक जो है चापाकल, जल, नल हर चीज़ में जो है ना वो आगे हैं, वहाँ पर रोड रास्ता सब में उदेर है, उनका फंड वहाँ लगता आया है और हम ही लोग को मिलता भी, हम लोग के द्वारा काम भी होता है। अच्छा, पूरा हरा रंग का क्या राज है? देखिए, हरा का मतलब है कि ये लालू यादव आरजेडी का जो है ये एक पहचान है, ये हरा, और जहाँ रहेगा हरा वहाँ सब रहेगा खड़ा। अच्छा। कोई पीछे नहीं हटेगा वहाँ से। अच्छा। इसलिए लालू यादव जो है वो गरीब मजदूर और दलित को
किस तरीके से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनको किसी जात से नफरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नफरत हमें नहीं चाहिए, हमें प्यार चाहिए और बिहार में तरक्की हो, माने कि हमेशा जो है ना अच्छा से अच्छा काम हो, तरक्की हो, गरीब मजदूर जिए, रोजी रोटी रोजी रोजगार हो। आप पहले देखते होंगे पहले के समय में कि लालू यादव की जब सरकार थी तो रिक्शा का स्टैंड बना था, और आप ये भी देखें चितकौड़ा पुल बना, उसके नीचे भी गरीब को बसा दिए लालू यादव। लालू यादव का काम ये था कि गरीब को बसाने का जो कैटेगरी था वो उनके उनके दिल के अंदर में पूरा जमा हुआ था और बसा हुआ था। लालू यादव ने जो है अच्छा अच्छा काम किए हैं, और तेजस्वी यादव भी जो है उन्हीं के नक्शे कदम से चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी बोले हैं कि बिहार में जो है सरकार मेरी बनेगी तो युवा नौजवान जो बेकार हैं उसे नौकरी हम जरूर देंगे नौकरी। तो उन्होंने भी वादा किया, और इसमें वो भी लगे हुए हैं कि किसी हाल में जो बेरोज़गार हैं उसको रोज़गार देने के लिए वो लगे हुए हैं। और अभी हमारे तेजस्वी यादव जी गोपालगंज गए हुए हैं, स्टार प्रचारक भी हैं, वही मेन है, सब कुछ हेड है पार्टी के हम लोग के, तो वो गए हैं। तो पार्टी से कब से जुड़े हुए हैं? पार्टी से 30 बरस से हम जुटे हुए हैं। तो बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव है, मोकामा गोपालगंज, तो चुनाव प्रचार भी करते हैं क्या पार्टी के लिए? क्यों नहीं करते, पार्टी के लिए तो हम इससे पहले भी प्रचार किया है, छपड़ा, सीमान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, भभुआ, पूरा बिहार हम घूमे हुए हैं। ऐसा बात नहीं, सब जगह हम घूमे हुए हैं। अभी भी 2 सीटों पर उपचुनाव है, अभी हम जाएंगे ही, मोकामा जाएंगे। आनंद सिंह के यहाँ जिताने के लिए। पत्नी खड़ी है पता है? हाँ हाँ, पत्नी उनकी खड़ी है। गोपालगंज नहीं जाइएगा? गोपालगंज जाने का मौका मिलेगा तो जाएंगे, समय मिलते ही ना जाएंगे। अभी तो समझ लीजिए कि और भी जो है ना एक गाड़ी है, अकेला दौड़ रहे हैं, तो पहले यहाँ हो ले, उसके बाद मौका मिलेगा तो वहाँ जाएंगे। मोकामा जा रहे हैं तो मोकामा में कैसे लोगों से वोट मांगेगा? कहा जाता है भाजपा तो कहती है अपराधी है, अपराधी को वोट टिकट दे दिया है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए एक बात बता देते हैं, खिसानी बिल्ली जो होता है वो खम्बा नोचता है। अच्छा, वो खम्बा नोच रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता जान चुका है और जनता जाग चुका है, बीजेपी को अच्छी तरीके से जान गया है कि बीजेपी क्या कर रहे हैं, और आरजेडी में जो गठबंधन नीतीश कुमार के साथ हुआ ये क्या काम कर रहे हैं। तो जो विकास का अच्छा काम करेगा, सच्चा काम करेगा, अच्छा लोग के पीछे दौड़ेगा, जो विकास होगा तो उसके साथ तो आदमी जरूर जो है साथ देने का काम करेगा। आप लोग बोलेंगे कि खराब है, फलाना है, ढिकाना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, इसलिए कि जनता जान चुका है कि हमको वोट दे करके विकास चाहिए, और बिहार के अंदर में नौजवानों को, युवा को जो बेकार हैं, जो पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पढ़ाई में पढ़ के कोई बादाम बेच रहे हैं, कोई टेम्पू चला रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो इनको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प जो है ये तेजस्वी जी ने संकल्प लिए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं वो कि ये तरक्की पे आएगा, और इसी धारे पे हम वोट मांगने का काम करेंगे कि आपको जो अच्छाई का रास्ता मिले, विकास मिले, रोजी रोजगार मिले। आनंद सिंह काम किए हैं मोकामा में? देखिए आनंद सिंह काम नहीं कैसे किए हैं, अब लहा कि देखिए आपका एक घर है, बगल में एक घर है, तो कभी कभी एक दूसरे घर में खटपट चलता है, तो उससे पूछिएगा तो बोलेगा कि तो ठीक नहीं है, मगर ऐसा बात नहीं है। आनंद सिंह जो है गरीब मजदूर बच्ची का जब शादी किसी का होता था तो लोग उनके घर पे जाते थे, गरीब मजदूर और दलित जाते थे, आटा है, चावल है, उसका पूरा खर्चा देते थे। अच्छा, तो कैसे गरीब नहीं चाहेगा, जनता उनको जिताएगा, एकदम जिताएगा जनता, दोनों सीट जीतेगा। देखिए गोपालगंज भी जीतेंगे, मोकामा भी जीतेंगे, इसलिए कि जीतने से हम लोग जो है ना बाज नहीं आ रहे कि नहीं जीतेंगे, इसलिए कि जनता वहाँ का चाह रहा है, गरीब मजदूर चाह रहा है, दलित चाह रहा है कि इस बार जो है दम महागठबंधन को जिताना है किसी भी हाल में। तो आप कब निकल रहे हैं मोकामा के लिए? मोकामा के लिए देखिए आज ही 4 बजे हम निकल, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। आनंद सिंह को दम पूरा प्रचार? हाँ प्रचार करेंगे। लालटेन जलता भी है? लैंटन जलता है, मगर उसको बॉल लगाएंगे अभी जा करके जलाएंगे उसको, जलता है अभी लैंटन। देखिए एक बार फिर से इनकी गाड़ी पे हम दिखा रहे हैं, देखिए पूरी गाड़ी हरे रंग से है, ये खुद भी हरे रंग है। इनका नाम चट्टान सिंह है, और बिहार के 2 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं उस उपचुनाव को लेके ये चुनाव प्रचार में भी जाएंगे, और इनका कहना है कि दोनों सीटों पे जीत महागठबंधन की होगी और मोकामा सबसे पहले जाएंगे, और समय मिलेगा तो गोपालगंज भी जाएंगे, लेकिन मोकामा में जाके
मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे, लोगों से बात करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और कहेंगे कि जो हमारे नेता ने वादा किया है उस वादे को हमारे नेता लगातार पूरा कर रहे हैं, आप हमें वोट दें ताकि आगे भी हमारे नेता काम करते रहें। फिलहाल खबरों में बने रहिएगा, अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।